बागपत बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कस्बा में अब से 6 माह पूर्व हुई थी मोनू की हत्या। मुजफ्फरनगर के शीलाजटी गांव का था मृतक मोनू। बड़ौत में थी ससुराल। 30 नवंबर 2018 को पत्नी पूजा ने ही फोन करके अपने पति को बुलाया था कि मेरे पिता बीमार है, इसको दिखाना है। इसके बाद मोनू अपने घर नहीं पहुंचा। आज मृतक मोनू का भाई सोनू एवं उसकी बहन प्रीति तथा मृतक के तीनों बच्चे बड़ौत कोतवाली पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। मृतक मोनू एक होटल में कार्य करता था। मृतक मोनू की बहन प्रीति एवं भाई तथा बच्चों ने मोनू की पत्नी पूजा तथा उसके परिवार तथा रिश्तेदारों पर आरोप लगाते हुए उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। प्रीति ने बताया कि उसकी भाभी ने मेरे भाई को फोन करके बुलाया था कि मेरे पिता बीमार है, उसको इलाज कराने के लिए दिखाना है, आ जाओ। इस पर वे हार गया। आरोप है कि मेरी भाभी मेरे भाई को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। इस पर भी मोनू ने शक जाहिर किया था। इसके बाद वह अपनी पत्नी के ननंद के घर चला गया। वहां उसके साथ जमकर मारपीट हुई तथा गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। हमारे द्वारा अपने भाई का पता निकाला गया तो वह नहीं पाया। पहले उसका नंबर बंद आ रहा था। वह हमें बताया गया कि मोनू का एक्सीडेंट हो गया, वह गंभीर रूप से घायल है, इसको यहां से ले जाओ। हम उसे वहां से लेकर मुजफ्फरनगर आए। डॉक्टरों ने बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ, इसको गला घोटकर हत्या की गई है। हमने बड़ौत कोतवाली में और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, लेकिन बड़ौत कोतवाली पुलिस ने हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद हमने बागपत न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए, लेकिन आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने की बात कही। मृतक मोनू के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटी 1 बेटा है। बच्चों ने भी अपने मामा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे मामा ने हमें भी मारने की धमकी दी थी। उधर प्रीति और उसके भाई ने भी आरोप लगाया कि हमें भी आरोपियों द्वारा मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि अमित 6 माह बीत गए हैं, हमें आज तक न्याय नहीं मिला है, हमें न्याय चाहिए। बच्चों के पास ना पिता रहा और ना मां। मोनू की मौत के बाद बच्चों की मां पूजा ने भी अपनी ससुराल जाना उचित नहीं समझा। आप तीनों बच्चे अपने चाचा के पास रह रहे हैं, आखिर बिन माँ बाप के बच्चों की परवरिश कैसे हो पाएगी? यह तो ऊपर वाला ही जानता है। कहाँ किसने मार दिया? ससुराल वालों ने। क्या नाम है ससुराल वालों का? राजू है। सनोप क्या है? सनोप रामपाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बड़ौत। हाँ जी, थाने के पीछे घर है जी, इनका बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ था? सर मेरी भाभी ने बोला, मेरे भाई काम पे से आया था, मेरी भाभी ने बोला कि मेरे पापा। क्या नाम है आपका? मेरा प्रीति नाम है, मैं मोनू की बहन हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी भाभी ने बोला कि मेरे पापा की तबीयत खराब है और जी मुझे मेरे पापा को दिखा के लिया, मेरे भाई उसे दिखाने यहाँ पे ले आया भाभी को। अच्छा। ये बच्चे भी साथ में आए थे। अच्छा। और उसको 20 नवंबर की बात है 2018 की, तो मेरे भाई लेके आ गए यहाँ पे। मेरे भाई को जैसे चाय पिलाई, मेरे भाई तो सो गया। फिर है ना, मेरी भाभी की माँ ने अपनी लड़की को ललित नाम के लड़के के साथ भगा दी, 2 गट का लड़का था। अच्छा। और भगा दिया। फिर 3 घंटे बाद उसने, मेरे भाई की सास ने बोला कि भाई को उठाया कि उठ जाओ, देखे पूजा को फोन करके, अब तक नहीं आई वो। तो फिर है ना, फोन मिला के देखा भैया ने, देखा तो नंबर बंद आ रहा। अब बच्चों को यहीं पे छोड़ गई थी वो सर। फिर है ना, घर वालों ने इसके मतलब कि भाभी घर वालों ने गुमशुदा की यहाँ पे रिपोर्ट लिखवा दी, ऐसे मतलब कि दिखावा सा कर दिया ताकि हम शक ना करें उनपे। ऐसे मतलब कि 1 महीना हो गया हम चक्कर काटते रहे भाई कहीं से आ जाओ, पता लग गया, कोई पता नहीं लगा उसका। मेरा भाई फिर 26 तारीख को मेरे हस्बैंड संजीव दीक्षित और जी मेरा मोनू भाई यहाँ पे आए थाने में, अपने ससुराल वालों के खिलाफ एप्लीकेशन लगाई कि मेरी घर वाली को भगाने में घर वालों का हाथ है। तो सर मेरे भाई के साले को अरेस्ट कर लिया मानिंदर सर ने, देखा कि मानिंदर सर दरोगा है, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। फिर उसने 2 लड़कों के नाम बताए जिनके साथ वो भागी। तो फिर है ना, मेरे भाई को घर पे भेज दिया। फिर अगले दिन मानिंदर सर का फोन गया यहाँ के दरोगा का, बोला कि मोनू यहाँ पे आ जा, आज लड़के गांव में चलेंगे 2 गट में। फिर है ना, मैंने मना की, मेरी बात हुई मानिंदर सर से, मेरी बात हुई, मैंने कहा मैं भैया काम पे जाएंगे, पार्टी है इनकी, होटल में रेडियन होटल में जॉब करते थे मेरे भैया। और जी हाँ, फिर मानिंदर सर ने बोला नहीं आना पड़ेगा इसको, आज गांव में चलेंगे लड़के गांव में जहाँ का वो लड़का था। मैंने अपने भाई को भेज दिया।
तो सर वो जैसे यहाँ पाया, मैं मेरे हस्बैंड ने शाम को कॉल की भैया के पास, तो भैया बोले कि मैं तो है ना प्रिया के नंदोई के पास हूँ, अपनी साली के नंदोई के पास है, फोन किया पुलिस ने, देख के बोला 100 नंबर की पुलिस आई थी, अकी इसका तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा जैसे इसे बोला घोट के मारा हो, और उन्होंने ये बोला कि इसका एक्सीडेंट हो गया, एक झूठ तो यही पे पकड़ा जा रहा है उन लोगों का देखो। फिर है ना पोस्टमार्टम के लिए भैया चले गए, फिर पोस्टमार्टम में आया कि इसका तो ब्रेन हैवी हुआ है, अरे जब उसके ननंद ये बोल रही है कि इसका एक्सीडेंट हुआ और पोस्टमार्टम ब्रेन हैवी आया, ये दो दो घुटमिट वाली बात कहाँ से आ रही है, मतलब कि उसकी मारपीट की हत्या की मेरे भाई की, और ससुराल वाले से कोई नहीं आया, डेड बॉडी पे भी कोई नहीं आया, और इन बच्चों की माँ ने भी है ना अब तक, और ससुराल वालों ने भी अब तक नहीं पूछा बच्चों को भी, और अपने घर पे आराम से रह रहे, 3-4 दिन बाद आ गई थी वो अपने घर पे। आज यहाँ थाने में क्या लेने के लिए आया? आज थाने में हम आए कि उन्हें अरेस्ट कर लो, हमें है ना पिछले महीने भी आई थी मैं 27 तारीख को, हमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा, थाना बिल्कुल मुकदमा दर्ज कहाँ से हो गया? मुकदमा दर्ज हमने कोर्ट से कराया था, थाने से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ आपका? मानिंदर सर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मुकदमा दर्ज किया ही नहीं, हमने कोर्ट से दर्ज करवाया है, और हमें 6 महीने हो गए धक्के खाते खाते, हमें मुजफ्फरनगर से आना पड़ता है, 6 घंटे का सफर काटना पड़ता है आने जाने का। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी? बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको खुली छूट दी जा रही है, और उन्होंने मेरे भाई को भी धमकी दी है कि जैसे तेरा भाई मार देना हम तुझे भी मार देंगे। किसने धमकी दी आपको? नंदोई ने, जिसने मेरे भाई को मारा है सारे, तो उन्होंने ये भाई गया था कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, उनके घर पे गया था जैसे, जैसे धमकी दी हाँ ना आया कर, अगर आएगा तो तुझे भी तेरे भाई की तरह मार देंगे, ये धमकी दी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही